लेकिन यहाँ पे जो दिया माई तब किया ना, तो वो दिए की जो चास के बैठी थी, जैसे वो तब करती रही, जैसे दिए की लो तेज होती रही, तो ये दिए की लो औरंगजेब बादशाह दिले दबा में पड़ती थी। तो दोस्तों यहाँ से है काजल शिखर जाने का रास्ता। दोस्तों माता जी ने दोस्तों यहाँ ऊपर जो पर्वत है वहाँ पर तपस्या की थी, उसके बाद दोस्तों उनकी स्थापना दोस्तों ये जो सामने मुख्य मंदिर है दोस्तों यहाँ पर हुई थी। पहले दोस्तों ऊपर शिखर चलते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं माता जी ने कैसे तपस्या की थी, वहाँ जाकर चल कर देखते हैं, उसके बाद चलेंगे दोस्तों जीर्ण माता जी के मंदिर की तरफ। प्रसाद में इधर तो मेन चुनरी होती है, नारियल होता है, घी तेल, प्रसाद मेन पूजा इसी की होती है माता रानी के, यही चढ़ता है मेन। अखंड जोत जलती है इधर, ये औरंगजेब बादशाह के जमाने से जल रही है, इसका निर्माण उसी ने किया था, इसी के लिए मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। पोशाक आप चढ़ाओ, चुन्नी चढ़ाओ, वो आपकी इच्छा है। मेन प्रसाद क्या मावे का है कि मिश्री वगैरह के? मेन प्रसाद तो पेड़े का है, सब मेन ही है भैया, जो इधर रखा है जो अपनी इच्छा हुआ इसमें सारे, जो आपकी श्रद्धा है वो चढ़ाओ। और ये ऊपर जो शिखर लिखा है इसमें क्या है? ये माता रानी के जीर्ण हर्ष भाई बहन का मिलाप स्थल है, ऊपर तपस्या स्थल है माता का, मेन मंदिर नीचे है, ऊपर भाई बहन का मिलाप स्थल है। ठीक है। तो दोस्तों ये इस प्रकार का कुछ रास्ता है काजल शिखर जाने के लिए ऊपर, और ये सोरा संकरा गलियारा है, यहाँ से सीधा ऊपर जाया जाता है। आप दर्शन करके आ गए भाई ऊपर से? हाँ दर्शन करके आ गए भैया। कितना दूर है मंदिर यहाँ से? माता का मंदिर 500 पैड़ी है लगभग। 500 पैड़ी? हाँ। ऊपर में क्या बना हुआ है? ऊपर माता का मंदिर है काजल शिखर। हाँ। तो यहाँ पे मतलब दो मंदिर कैसे है मंदिर यहाँ ऊपर अलग अलग कैसे? ऊपर मेन माता का मंदिर ऊपर ही माना जाता है, वहीं समाई। हाँ माता वहीं समाई गई थी। आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। ठीक है भैया जानकारी। ठीक है। तो भैया बता रहे 500 पेड़ियाँ है और इस प्रकार का संकरा रास्ता है, इसके चलकर ऊपर जाते हैं। अभी तो दोस्तों आप देख रहे हैं उस प्रकार का गलियारा बना हुआ है, लेकिन आगे सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है जो दोस्तों अरावली के बीच में दोस्तों ये मंदिर स्थित है, और इसी के पास में दोस्तों एक झील भी है मीठे पानी की, वो भी आपको अगर ऊपर से दिखाई दे रही होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मुख्य मंदिर यहाँ पर है। अभी देखो दोस्तों ये सारी दुकानें अभी यहाँ पर खाली है, लेकिन जब नवरात्रि होती है उस समय दोस्तों काफ़ी सुंदर यहाँ पर मेला लगता है, और काफ़ी दोस्तों दर्शक जो हैं अभी दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता की तपस्या स्थली। दोस्तों देख रहे हैं कितना पसीना हो रखा है, 500 सीढ़ी चढ़ के दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं, और आपको मैं दिखाता हूं पीछे का नज़ारा एक बार, ऊपर से किस प्रकार से ये मंदिर दिखाई देता है तो आपको थोड़ा मैं दिखाता हूं। तो ऊपर से दोस्तों रेवासा गाँव है, उसकी पूरी बस्ती आपको दिखाई दे रही है, साथ में दोस्तों आपको मैदानी इलाका दिखाई दे रहा है, और दोस्तों यहीं से एक झील दोस्तों रेवासा की एक झील है प्रसिद्ध, वो यहाँ से मीठे पानी की झील दिखाई देती है, और उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। दोस्तों आप ऊपर पढ़ रहे हो काजल शिखर माता की तपस्या स्थली, मुख्य मंदिर दोस्तों यही है, उसके बाद दोस्तों नीचे वापस निर्माण किया गया था, वो भी 5वीं सदी में। दोस्तों यह भी प्राचीन मंदिर है, यहीं पे दोस्तों माता जी रुढ़ कर आ गए थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं काजल तपस्या स्थली, और यहाँ पे स्वामी जी बैठे हैं, उनसे हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जी आपका नाम? राजेश जी पारा सर। राजेश जी, तो मंदिर के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। पूछो मंदिर बारे में, जैसे मंदिर प्राचीन मंदिर रही है, यहाँ जीवनी ने बैठ तपस्या की थी, नीचे नवदुर्गा मंदिर है जयंती का, जयंती की जीवनी ने बैठ तपस्या की थी यहाँ पे, ये तपस्या स्थल है भाई का, ये बात है। अच्छा, कहीं जने कहते हैं कि यहाँ पे माता जी और उनके भाई दोनों साथ में यहीं पे मिले थे। बहन भाई देखो हर्ष जीर्ण भाई बहन का मिला प्रस्थान, भाई बहन को मनाने के लिए भाई यहीं आया था, तो बहन यहीं बैठ के तप किया, तो भाई भी यहाँ पे गया नहीं, तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर है हर्ष पे, तो वहाँ पे बैठ के उसने तप किया शिव जी की, तो वह हर्ष के नाम से पूछ गया, ये जयंती की तपस्या करी, तो आज मारवाड़ी भाषा में जीर्ण के नाम से पूछ गई।
तो मतलब मनाने के लिए क्यों आए थे, मतलब ऐसा क्या हुआ था? देखो सर, ये पुरानी बातें हैं, कोई देखने कोई गया नहीं है, सब सुनते आए हैं, जो बहुत हमारे बुजुर्ग हम तो बताते हैं, हम लोग आपको बताते हैं मन भैया। अभी ये क्या हुआ, वो कैसे आए वो तो पता नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि यह तब किया था, मायने बैठ गया तब किया था। यहाँ पर दिया जल रहा है प्राचीन है सामने, जिसमें अंदर जो दिया जल रहा है माई के, वो प्राचीन है, आज वो वहीं जल रहा है, उसी जगह जल रहा है जहाँ भी। तो यहाँ पे ये दो दीपक दिख रहे हैं, तो दोनों अलग, दोनों एक ही है, दिया एक ही है, दो तीन कुछ नहीं दिए, तो सब साइड में जाएंगे। पहले क्या यात्री इसके अंदर जाया करते थे, अच्छा यहाँ जाते हैं इधर साइड में छः तारास था, उधर से निकाला करते थे, पर कुछ नहीं था, घुमटे पूरी सी कुछ नहीं है, अंदर देखो अंदर अंदर देखो बाटे बाटे किस तरह बने हुए, पानी है बहुत, युगों के पे देखो मंदिर भी देखो, अच्छा, सब पूरा निर्माण है पूरा, ये पूरा मंदिर काला था, ये टायर लगने से बड़ा सफेद सफेद दिख रहा है, बाकी काला ये पूरा मंदिर है, अच्छा, पूरा ध्यान दिए की वजह से दियो जो बहुत पूरा दिया था खंडन, ये तो आप थोड़ा सफेद लगने लग गया, तो ये फिर बाद में बढ़ाई है सब कुछ, अच्छा बाद में बना, हाँ तो इस वजह से दे। तो कहते हैं औरंगजेब जो अपना तेल बेचा था वो यहाँ पे बेचा नीचे, तेल क्या बेचता है माई के यहाँ पे, जो दिया माई तब किया ना कि, तो वो दिए की जो चास के बेटी थी, जैसे वो तब करती रही, जैसे दिए की लो तेज होती रही, अच्छा। तो ये दिए की लो औरंगजेब बादशाह दिल्ली दरबार में पड़ती थी, तो औरंगजेब बादशाह ने अपने सैनिकों से, अपने जो सेवन सेवक है उनसे पूछा कि ये द्रोश किस चीज़ की आ रही है, तो उन्होंने कहा सर कोई धार्मिक मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ से कि दिए की लो आ रही है, उसकी लोग ये रोशनी यहाँ पड़ रही, तो उसने कहा जो भी हिंदुओं के जितने मंदिर है सबको खंडित कर दो, तोड़ दो, ध्वस्त कर दो, उन्होंने वहाँ पे आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया तो नीचे एक माँ भौरे मुख की माता है, वहाँ से मोहरे निकले लाखों की तादाद में, पूरी सेना पे चढ़ाई कर दी, उन पर अस्त्र शस्त्र काम करते नहीं है, माँ उसने औरंगजेब से माता के नीचे दरबार में माथा टेका, आज से मई मेरे दरबार से स्वामण घी और स्वामण तेल अखंड जोत चले की तरह, अच्छा। उसी समय से अखंड जो चलती आ रही है, उस समय 18 रुपये कुछ आना चला करते थे, अच्छा। तो स्वामी दिल्ली दरबार तेल आया करता, आज भी लिखा पड़ी है गवर्नमेंट ने दिल्ली वहाँ पे, लेकिन अब जो तेल है सब यात्रियों से प्रबंध है, यात्री आते हैं अपने श्रद्धा भक्ति से, कोई एक दिन का कोई आधा दिन का माइक चलाते हैं, उसी से काम चलता है। और यहाँ पे मेला कब लगता है? साल के दो मेले बढ़ते हैं, चेत और आसोज के, चेत का जो मेला है वो थोड़ा बड़ा मेला है, और आसो नवते हैं जो थोड़ा छोटा है। तो यात्री आते हैं तो उनके रुकने के वगैरह की क्या व्यवस्था? यहाँ नीचे धर्मशाला वगैरह है, एसी नॉन एसी सारी व्यवस्था है, नीचे कमेटी है, जीवन माता कमेटी भी है, उसमें क्या बर्तन वगैरह व्यवस्था है, ये सब कुछ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा व्यय किया जाता है, सारा मंदिर ट्रस्ट करता है। तो यहाँ की जानकारी और ये माता जी का जो प्राचीन मंदिर है, मैं आपको अंदर से थोड़ा दिखाता हूँ, और देखिए अंदर से पूरा प्राचीन निर्माण यहाँ का दिखाई दे रहा है, और काजल शिखर कैसे बना, शिखर का मतलब हो गया पर्वत, और काजल है जो माई का जोत जलता है ना, जो उसका काजल बनता है, मानक जो आंसू बहे थे रो करके, तो उससे वो काजल बन गया, तो काजल तो ये काजल शिखर उससे बोला जाता है, अच्छा। और यहाँ पे दिखाओ दे काजल, ये देखो काजल बना हुआ है, यहाँ से देखो लिखा हुआ है काजल शिखर, जो दीपक की जोत देखिए यहाँ से काजल बन रहा है, तो इस काजल को काजल आंखों में लगता है, इससे माई की आंखों की जोत बढ़िया बढ़िया रहती है, आंखों की जोत उसमें बढ़िया नजर अच्छी रहती है, हाँ जी लोग लेके भी जाते हैं साथ में, हाँ लेके जाते हैं लोग, ले जाने वाले जी भी जाते हैं, ले जाते हैं कागज भर भर के ले जाते हैं, लेके जाते हैं, हाँ सभी ने मनवाती है। भाई का जो मंदिर है यहाँ से 17 किलोमीटर 16-17 किलोमीटर है, हर्ष पर्वत के नाम से पूछता है वो अपने बाद में, माउंट आबू के बाद सेकंड नंबर उसी का आता है, उसका ऊंचाई पर इतना ऊंचाई पर वो, ये वैसे राजपूत है, ये चौहान वंश की कन्या है, चौहान वंश कन्या है, गांगू सिंह जी चौहान है उनके पिताजी थे, जीर्ण हर्ष दो बहन भाई थे, जीवन यहाँ पूछ गई हर्ष, तो वो मंदिर से मुगलों ने भी तोड़ दिया, देखो वो पंखे लगे पीछे दिख जाए सब कुछ, आपको सब दिखेगा पीछे, सब कुछ दिखेगा आपको, वैसे यहाँ से कितने दूर, 17 किलोमीटर होता है, 16-17 किलोमीटर सब दिखे, आप पीछे जाओगे ना ऊपर पर्वत पंखे दिख रहे हैं, 12-14 पंखे दिख रहे हैं, और मंदिर भी दिखेगा सब कुछ, सब पीछे 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 सब दिखे, ठीक है। ये है यहाँ का परिक्रमा मार्ग, यहाँ से परिक्रमा करते हैं, उसके बाद पीछे के अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से दिखाई देता है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरा दोस्तों ये अरावली पर्वत है, और काफ़ी ठंडी यहाँ पे हवा आती है, और आप देख रहे हैं दोस्तों पीछे स्वामी जी ने बताया कि यहाँ से ही हर्ष पर्वत आपको सीधा दिखाई देता है यहाँ से, और इसके बाद दोस्तों यहाँ से परिक्रमा होते हुए नीचे की तरफ हम जाते हैं, और काफ़ी लोग ऊपर आने के बाद दोस्तों इतना ठंडक और शांति का एहसास होता है, आने पर थोड़ी थकान ज़रूर होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ बैठने के बाद वो सारी की सारी थकान दोस्तों एक मिनट में ही गायब हो जाती है। दोस्तों ये है जिन माता जी का चमत्कारी स्थान, और यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी लोगों ने प्रसाद वगैरह चढ़ा रखी है, यहाँ की क्या मान्यता है मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर त्रिशूल वगैरह सारा है, और ये देख रहे हैं आप मंदिर का दृश्य। दोस्तों मंदिर के नीचे में यहाँ प्राचीन धुना बना हुआ है, इसमें माता जी की मूर्ति स्थापित है, और दोस्तों यहाँ पर पहले के ज़माने में साधु संत जी यहाँ पर बैठ के तपस्या करते थे।
तो दोस्तों आप सामने देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे रोपवे का निर्माण भी हो रहा है और नीचे दोस्तों ये है जिन माता मंदिर परिसर पूरा। यहाँ से लगाकर दोस्तों यहाँ पीछे एक गुप्त एक पानी का स्रोत है दोस्तों, पता नहीं पानी कहाँ से आता है लेकिन दोस्तों गौमुख बना हुआ है। और यहाँ से लगाकर दोस्तों पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है दोस्तों जिन माता जी का ही ये स्थान है, ये स्थान है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऊपर की। दोस्तों अभी हम ऊपर चढ़ने ही वाले हैं और यहाँ से मंदिर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। मंदिर की ये सीढ़ियाँ दोस्तों इस प्रकार से खड़ी नाल है और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग मन्नत के घर का निर्माण भी करते हैं। वैसे मंदिर परिसर तो मना करता है लेकिन फिर भी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दोस्तों निर्माण जरूर करते हैं। और वापस दोस्तों नीचे आप देखें किस प्रकार से खड़ी नाल की तरह ये पहाड़ों पर नाल बनाई गई है और थोड़े दिनों बाद दोस्तों यहाँ रोपवे की सुविधा भी होने वाली है जल्दी। माता जिन जी की थोड़ी कथा सुना देता हूँ दोस्तों। कहा जाता है कि माता जिन और उनकी भाभी दोस्तों साथ में पानी लेने के लिए दोस्तों अपने गांव से जा रहे थे तालाब के पास में, तो उन दोनों में शर्त लगी कि जो जिन माता जी के भाई हर्षवर्धन जी थे वो किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसी भाभी और उन जिन माता जी में शर्त लगी थी कि जो जिसका घड़ा पहले उतारेंगे उनके भाई उनसे ज़्यादा प्यार करेंगे, यानी कि हर्ष जो राजा थे वो जिसका घड़ा पहले उतारेंगे उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा उन्होंने मान के जब वो घर पहुँचे पानी का घड़ा लेके, तो जो हर्ष थे उन्होंने जिन माता की भाभी जी का घड़ा सबसे पहले उतार लिया। तो जिन माता को कहीं ना कहीं मन में ये लगा कि ये उनसे प्यार नहीं करते। दोस्तों ये एक कथा है जो लोकल लोग यहाँ के कहते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनको लगा कि उनके भाई उनको प्यार नहीं करते हैं, तो वो रूठ कर दोस्तों इस स्थान पर, दोस्तों ये जिन माता स्थान है यहाँ पर दोस्तों, ये जो सामने का पहाड़ आप देख रहे हो दोस्तों, ये ऊपर जो मैं उंगली है वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वहाँ पर आकर बैठ गए थे रूठ कर। और दोस्तों उनके भाई पीछे पीछे उनको मनाने के लिए आए थे और जिन माता को बोला कि वापस घर चलो, लेकिन जिन माता ने कहा कि अब मैं लौट के कभी भी वापस घर नहीं आऊँगी। और दोस्तों इसी स्थान पर वो रूठ कर बैठ गए और फिर उन्होंने तपस्या शुरू की माता भवानी जी की, और तपस्या करते गए। और जो उनके भाई थे दोस्तों उन्होंने कहा मैं भी वापस लौट के घर नहीं जाऊंगा। और वो भी दोस्तों यहाँ से 18 किलोमीटर दूर यहाँ पीछे की तरफ दोस्तों हर्ष पर्वत, पहला दोस्तों दूसरा नाम था लेकिन हर्ष राजा थे, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे तपस्या की, इस कारण दोस्तों इस पहाड़ी का नाम हर्ष पर्वत हो गया। उसका मंदिर दोस्तों जो हर्ष जी के थे वो बैरूजी का रूप बन गए उसके बाद तपस्या करने के बाद में, और माता जिन जो थे 51 शक्तिपीठ में से एक का रूप बन गए। और जो हर्ष मंदिर था दोस्तों वो औरंगजेब ने दोस्तों तोड़वा दिया था, और जो हमारा जिन माता जी का मंदिर है वो भी तोड़ने के लिए आया था। लेकिन दोस्तों उसकी कहानी भी कुछ रोचक है, तो मैं आपको थोड़ा नीचे चलकर बताता हूँ। अभी थोड़ा क्या सांस फूल रहा है मेरा, पहाड़ी इलाका है पूरा, तो नीचे चलकर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जिन माता की क्या कथा है।